हाँ, तो जो कॉइल कहाँ पर जाके चेक करेगा, सिस्टम में। हाँ सिस्टम पर जाकर। कौन सी कॉइल पर कर रहे हैं हमारा ये फ्लेक्स कॉइल? फ्लैक्स कोईल फ्लेक्स एक्टिवेट। कॉइल एक्टिवेट है ना ये, यस तो सर। फ्लेक्स कॉइल पर करते हैं हम। करो गो, करो गो। हाँ सर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया फ्लैक्स को, देन इंग्लिश में आ गया तुरंत सेल्फी तरह करना गो कर गो। हाँ रन कर दिया यहाँ से हमने। अब हमें जो इमेज आया को सेंट्रल कॉर्नर एक जेल आया, और नहीं आएगा तो हम फिर से रिलोकलाइजर करेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। वेरी गुड। तो जैसे तीनों लोकलाइजर आ गए, तो इनमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ट लोकलाइजर का यस सिलेक्शन सर। करेंगे। तो अभी करेंगे बेस्ट लोकलाइजर का सिलेक्शन। तो ये कॉर्नल, सजाइटल, सजाइटल और ये होगी एक्सियल। एक्सियल क्लियर? यस सर। चलो, तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर लेंगे, कॉर्नर, पीडीएफ कर लूंगा। पीडीएफएस कॉर्नर। क्लिक करो पीडीएफएस कॉर्नर पे, डबल क्लिक करके सीक्वेंस को ओपन कर ओपन कर लूंगा। लेंगे। अच्छा एक मिनट। डबल क्लिक करके ओपन कर ले। तो यस सर। प्लानिंग हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ऐप को भी सेलेक्ट कर दिया सबसे पहले, तो ये हो गया गलत। क्लियर? यस सर। बेकार हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पोजीशन ब्लॉक पोजीशन फर्स्ट ब्लॉक का प्लान करते हैं, और पोजीशन ब्लॉक सेकंड का। तो यस सर। एक्सप्लेन करो इस प्लानिंग को, प्लानिंग सर इसमें एक्सप्लेन करो। एपिकोंडाइल का पैरेलल रन करेंगे प्लानिंग्स में, ठीक है, एक्सियल में। और जो सजाइटल इमेज है उसमें भी हम ह्यूमरस या कह सकते हैं ह्यूमरस के पैरेलल कर सकते हैं इसको। इसमें तो एफओबी यानी है। कि ये जो एक्सेल जो इमेज है, ये वाली जो एक्सेल इमेज है, इस पर जो प्लानिंग, ये अब ये प्लानिंग हो रही है एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोस्टीरियर। अगर डिस्प्ले के हिसाब से देखें तो क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट जो डिस्प्ले पर, यानी कि जो स्टूडेंट फ्रेशर है, वो इस प्लानिंग को क्या समझ लेगा, राइट टू लेफ्ट। बट ये प्लानिंग क्या है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। हाँ, अब इसके बाद हम एफओबी 120 रखेंगे। इसमें हम 150 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है बॉडी पार्ट पे कितना रखना है हमें। यहाँ तो पे इसमें मैंने तूने लिया है 120। यस सर और मैंने यहाँ पे फेज 100 ले लिया है, स्लाइस 3 लिखा है, गो। गो करो गो। प्लानिंग ठीक है बिल्कुल। ये ऐप को भी सेलेक्ट कर रहे हैं हम। सर ठीक है, जैसे यहाँ हमने, तो यहाँ पे अभी क्या, इसमें 3D में क्या है कि आप डबल क्लिक करके देख सकते हो आप अच्छे से, है ना। ये देखो, ऐप को भी बिल्कुल मिड सेंटर में रखेंगे, जितना ऊपर है इतना नीचे रखेंगे। गो कर दिया। यस सर। तो अब दूसरा सीक्वेंस तब तक हम नहीं करते हैं स्टार्ट जब तक हम इस कॉर्नल को कॉर्नर नहीं कंप्लीट नहीं देख करें। लेंगे, कंप्लीट नहीं कर यस सर। लेंगे। क्लियर? यस सर। तो अभी जैसे मोस्टली लोग ऐसे सीक्वेंस करके रख देते हैं और पैथोलॉजी देखा नहीं, तो स्कैन गलत हो गलत जाता हो है। जाए। तो इसलिए हम पहले इसका वेट करेंगे, पीडीएफएस कॉर्नल का। तो जैसे पीडीएफएस कॉर्नल आ जाएगा, आने वाला है, चल रहा है स्कैन। ठीक है, स्कैन ओपन करो। जैसे कंप्लीट हो यस सर। जाएगा तो यहाँ ओपन करके डाल दो इसको। हो गया? यस ठीक सर। है, अब इसको पहले हम डबल यस क्लिक करके चेक कर लो हिसाब से। तो इसमें क्या पैथोलॉजी आ रही है, एक मिनट ये देखो। फ्लोट कर तो दिया सर। जैसे ये इस पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग तो अब हम करेंगे। नेक्स्ट कौन सा सिक्वेंस ले रहे हैं, एक्सियल, जी पीडीएफएस एक्सियल। एक्सेल। तो अब इसमें ये जो पोर्शन, जितना मतलब इसमें जो
जितना एडिमा आ रहा है, सपोज करो ट्यूम हमारे यहाँ फ्रैक्चर है, तो हमें सारा ये चीज़ें कवर करनी होंगी। और जो एंगुलेशन हो गया बायलेटरल कॉन्डाइल्स के पैर, तो बहुत अच्छे से इस पैथोलॉजी को हम कवर करेंगे इसमें। एफओवी भी कम है यस सर, तो एफओवी बढ़ाओ, तो एफओवी में जाओ और एफओवी कर दो कितना जितना अभी 120-130 के आसपास आप एफओवी कर दो, 150-140 कर दिया, वेरी गुड। स्लाइस थिकनेस, जैसे अभी स्लाइस थिकनेस की बात करो, तो यहाँ पे अभी हमें क्या लग रहा है कि यहाँ कोई हमें टेंडन या लिगामेंट वगैरह नहीं देखना है, पैथोलॉजी सॉफ्ट टिश्यू में पड़ी है, तो हम स्लाइस थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करते रहा करो, ताकि आप जब नेक्स्ट पेशेंट करोगे तो फिर आपको चीज़ें इजी रहेंगी। थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई टेंडन्स वगैरह नहीं देखना है, अगर देखा जाए तो। और अदरवाइज आप 3 mm पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमने भी क्या कर दिया, PDFS एक्सेल को रन कर दिया, तो वेट करेंगे। अब जैसे सपोज करो आप पहला वाला कॉर्नल कर चुके हो, तो अब हम सेकेंड वाले कॉर्नल की कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे सर, या फिर आप तीनों ओरिएंटेशन पहले रन कर लो, तो ये ऑप्शनल होते हैं आपके पास। तो अभी हम फिर से, जैसे अभी इसमें क्या कर रहे हैं, हम देखो ये PDFS कॉर्नल है, तो हम इसी का क्या बना सकते हैं, सजाइटल। तो इसको सजाइटल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहीं से एंगुलेशन दे दो, ये सजाइटल हो गया, क्योंकि भी हो गया परपेंडिकुलर राइट टू लेफ्ट। तो एफओवी किस पे आ गया, अब सजाइटल पे आ गया, या आप डायरेक्ट ये जो ओरिएंटेशन जहां लिखा है इस ओरिएंटेशन पे जाओ और आप डायरेक्ट सजाइटल क्लिक कर दो, और यहां पे आप लिख भी सकते हो यहां पे हिसाब से। तो पूरा स्कैन कवर किया, स्कैन कवर करने के लिए स्लाइसेस इंक्रीज करते हैं हम, स्लाइस इंक्रीज करो। तो जैसे जो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट होता है वो आपको यहाँ से, जैसे रीड कहाँ से करना है, जूम कहाँ से करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो मोस्टली एल्बो में 3 ही प्लान थे, तो डेली इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, एनाटॉमी देखो एंड इसकी पैथोलॉजी देखो, तो स्कैन हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है।